In this video of interpretation of statutes, we are going to discuss the object, purpose, scope and need of interpretation and construction. अपने अब तक के वीडियोस में हमने इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर टर्म को डिटेल में विथ सम लीडिंग केस लॉज और किस तरह से डिफरेंट इंग्लिश राइटर्स इंटरप्रिटेशन को डिफाइन करते हैं, इसे हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझ लिया था। अपने सेकंड वीडियो में हमने स्टैट्यूट के मीनिंग को समझा और हमने ये जाना कि स्टैट्यूट और लॉ दोनों क्या हैं, सेम हैं। इन आवर थर्ड वीडियो लेक्चर हमने इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस को भी समझा। हमने जाना कि कब हम इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं, यानी कब जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का काम करती है और कब कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। हमने ये भी समझा कि इंटरप्रिटेशन बेसिकली तब यूज में लाया जाता है व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी, और इंटरप्रिटेशन में जुडिशरी का बेसिकली यही रोल रहता है कि जुडिशरी पूरे एफर्ट्स के साथ लेजिस्लेचर के इंटेंशन को फाइंड आउट करे बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन। और ये कैसे पॉसिबल होता है, तो इंटरप्रिटेशन में जो भी स्टैट्यूट, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन में जो भी वर्ड्स, जो भी टेक्स्ट यूज किया गया है, उन वर्ड्स, उन टेक्स्ट के नेचुरल मीनिंग को डिराइव करके जुडिशरी लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को फाइंड आउट करती है। एंड व्हेन इंटरप्रिटेशन इज बीइंग डन बाय द जुडिशरी, व्हेन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है? तो जब हम किसी एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स को डिराइव करते हैं, व्हेन द पीपल having their different meanings about the word used in any statute, this is the problem of ambiguity. Yani ambiguity means possibility of being understood in more than one ways. We know ki किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड अबाउट, अगर हम अबाउट शब्द के बारे में बात करें तो इसके मीनिंग को बेसिकली डिराइव किया जाता है इसके साथ लगे वर्ड्स के बेसिस पर। एक अबाउट मतलब होता है के बारे में, और जो दूसरा अबाउट है वो बेसिकली टाइमिंग को डिनोट करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो यहां अबाउट का मतलब है आपके बारे में। वहीं अगर मैं कहता हूं द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट और द ट्रेन इज अबाउट टू लीव द स्टेशन, तो यहां जो अबाउट वर्ड है वो टाइमिंग को डिनोट कर रहा है। तो यानी वर्ड एक ही है, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी कि इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स को पार्टी अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इस पर्टिकुलर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स को फाइंड आउट कर सकती है, निकाल सकती है, कंक्लूड कर सकती है। तो देयर इज व्हाट, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी। इसी प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी को जुडिशरी इंटरप्रिटेशन के माध्यम से सॉल्व करती है, और लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था, लेजिस्लेचर ने स्टैट्यूटरी प्रोविजन में जिस वर्ड को यूज किया है उस वर्ड के किस मीनिंग को लेजिस्लेचर बताना चाहता था, वो काम करती है जुडिशरी बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट? द कोर्ट. So now we are going to discuss why interpretation is required. Why interpretation is required? और इसी में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट? The courts while deciding the disputes between the parties reach a point where the same words leads to two different interpretations and both the parties prefer the beneficial meaning to their interests. It is at this point of time that the role of the courts to interpret the true intention of lawmaker comes into play, where the words are unequivocal and unambiguous. There is no need or scope for importing any principle of interpretation. It is only where the words convey a dual or uncertain meaning that the help of various rules of interpretation is required. तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लेजिस्लेचर के द्वारा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में जिन वर्ड्स, जिन टेक्स्ट का यूज किया गया है, क्योंकि किसी वर्ड का कोई प्रिसाइज, कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने अबाउट वर्ड के बारे में समझा. तो अगर पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है, पार्टीज हमेशा ये एफर्ट्स लगाती हैं कि जो आउटकम हो वो उनके बेनिफिट के लिए हो, तो इसलिए वो चाहेंगे कि हम उसी मीनिंग को डिराइव करें जो कि उनके फेवर में हो. If there is dispute between the parties, और जब कभी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में जो वर्ड यूज किया गया है उसका डुअल मीनिंग है, अनसर्टेन है, तो ऐसे केसेस में रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करती है जुडिशरी, ताकि लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को फाइंड आउट किया जाए. एट द टाइम ऑफ लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था और लेजिस्लेचर जिस पर्टिकुलर वर्ड को यूज की है इन दिस स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसके किस मीनिंग को लेजिस्लेचर डिराइव करना चाहती थी एट द टाइम ऑफ लॉ मेकिंग, यही एफर्ट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा. अब एक केस है हमारे पास इन भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग एस.ए. भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग एस.ए. It was observed that if a statutory provision is open to more than one interpretation, the court has to choose that interpretation which represents the true intention of legislature. यानी किसी statutory प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा वेज में किया जा रहा है, यानी देयर इज पॉसिबिलिटी कि उसके इंटरप्रिटेशन को डिफरेंट वेज में, कई वेज में किया जा सकता है. तो इफ देयर इज एम्बिग्यूटी, तो कोर्ट्स हमेशा लेजिस्लेचर के इंटेंशन को प्ले डाउन करने की कोशिश करेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजन के स्पिरिट को फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड आउट द स्पिरिट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. हम कंक्लूजंस ड्रॉ करते हैं, फिर चाहे हमें उस वर्ड के नेचुरल मीनिंग के बियॉन्ड ही क्यों ना जाना पड़े. इंटरप्रिटेशन but the case is different with statute law. So we are going to discuss about the need of interpretation. क्यों हमें interpretation की आवश्यकता है? customary law के केस में या in case laws there is no need फॉर इंटरप्रिटेशन। कस्टमरी लॉ और केस लॉज में हमें इंटरप्रिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हम स्टैट्यूट लॉ के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, तो वहां पे जो चीजें हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। नाउ व्हाट इज कस्टमरी लॉ? ये बेसिकली क्या है? इट इज द ओल्ड प्रैक्टिस जो एक पॉपुलेशन बहुत पुराने समय से फॉलो करते आ रही है। जब उस कस्टम को लीगल इफेक्ट दिया जाता है तो वो कस्टमरी लॉ कहलाता है। कस्टमरी लॉ के केस में एज वेल एज केस लॉज में इंटरप्रिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्टैट्यूटरी लॉ में देयर इज नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन बिकॉज ऑफ बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट लॉ। इट इज नेसेसरी to find out the legislative intention underlying the language of the statute, right? Now, customary law को जरा हम समझ लेते हैं। For example, जब हमने हिंदू लॉ को पढ़ा, हमने जब हिंदू मैरिजेस के बारे में बात किया, right? जब हमने सेक्शन 5 को देखा, सेक्शन 5 बेसिकली कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है। वी ऑल नो इसमें 5 कंडीशंस हैं और उन 5 कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि नाइदर पार्टी टू द मैरिज कैन मैरी ईच अदर। अगर दोनों पार्टी सपिंड रिलेशनशिप में आते हैं तो सपिंड रिलेशनशिप के केस में मैरिज नहीं हो सकता है, और अगर मैरिज होता है तो वो अपने आप में वॉइड मैरिज है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि अगर दोनों पार्टीज जिनके बीच विवाह हो रहा है उनके कस्टम्स, उनके यूसेज इस मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर मैरिज पॉसिबल है। तो यानी बेसिकली उनके कस्टमरी लॉ के बारे में बात किया जा रहा है, उनके कस्टम्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो कस्टमरी लॉ बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता है, लेकिन स्टैट्यूट लॉ बाइंडिंग इन नेचर होता है। तो इसलिए जरूरी है कि उनका ट्रू इंटरप्रिटेशन किया जाए इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स। इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द लेजिस्लेटिव इंटेंशन अंडरलाइंग द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, particularly when there is an ambiguity in the expression or there is faulty use of words or omissions due to bad draftsmanship। तो ये इंटरप्रिटेशन हमारे लिए तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ambiguity का प्रॉब्लम हो, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर देन वन वेज। जब faulty use of words किया गया हो by the lawmakers, या जब किसी प्रकार का कोई ओमिशन हुआ हो व्हाइल मेकिंग द लॉज, तो फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन नेसेसरी हो जाता है। मोरओवर वेयर टू रीजनेबल व्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द स्टैट्यूट आर पुट बिफोर द कोर्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन बाय इंटरप्रिटेशन, द कोर्ट एडवांसेस दैट व्यू व्हिच इट थिंक प्रॉपर and appropriate in given situation. If the language of the statute is clear and unambiguous, no need of interpretation would arise. तो यानी statutory provisions में जिस expression का use किया गया है उसके 2 possible conclusions निकल रहे हैं। तो this point of time, उस point of time के लिए किस expression को use में लाना चाहिए, it is up to the judiciary to cope with the given situation। लेकिन वही अगर स्टैट्यूट का लैंग्वेज अपने आप में क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, तो देयर इज नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। बट द टास्क इज नॉट सो इजी एज इट सीम्स बिकॉज इन द फर्स्ट इंस्टेंस वर्ड्स यूज्ड in a statute may convey more than one meaning, since words in any language have not any fixed or precise meaning. In different contexts, words may mean different things. Secondly, it is not possible for legislators enacting a statute to foresee all the contingencies at the time of enactment and to cover all situations and circumstances. तो अगेन इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो अपने आप में इजी टास्क नहीं है, क्योंकि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। और जो लॉ मेकर्स हैं, जब उन्होंने लॉ बनाया तो वो इस बात को एज्यूम नहीं कर सकते थे कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है। दे वर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्टीजेंसीज व्हिच मे अराइज इन फ्यूचर। तो इसलिए देयर इज नीड फॉर कंस्ट्रक्शन टू कोप विथ द सिचुएशंस। इसलिए आप देखोगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, उस समय आर्टिकल 21 का जो स्कोप था, जो एम्बिट था, वो बहुत ही लिमिटेड था। लेकिन टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने क्या किया, उसके स्कोप को कंस्ट्रक्शन के माध्यम से और भी ज्यादा वाइडन किया है, राइट। एक और केस है हमारे पास, विच इज केवी मुथु वर्सेस अंगामुथु। केवी मुथु वर्सेस अंगामुथु। Supreme Court observed that a construction which would defeat or was likely to defeat the purpose of the act has to be ignored and not accepted. तो वो construction जो legislature के intention को, उसके purpose को defeat करता हो, वो acceptable नहीं है, और वो अपने आप में unconstitutional, right? Purpose and broad principles of interpretation. The dominant purpose of interpretation is to determine what is expressly or impliedly expressed by the language of statute with reference to the words which have been used. So basically, interpretation का dominant purpose यही है कि जो भी words statutory provisions में use किया गया है by the lawmakers, उन वर्ड्स का एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड मीनिंग क्या है। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस मेनली टू डिस्कवर हाउ द लेजिस्लेचर इंटेंड्स द कोड टू एक्ट। तो इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक जुडिशियल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से जुडिशरी ये कंफर्म करती है कि लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था उस पर्टिकुलर लॉ को लाने के पीछे, या उस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविजन को इंश्योर करने के पीछे, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इन डिटरमाइनिंग द इंटेंशन, प्राइमरली द लैंग्वेज यूज्ड इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इंटेंशन। और ये कंफर्म उन वर्ड से होता है जिस वर्ड को लेजिस्लेचर के द्वारा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में इंश्योर किया गया है। Intention of legislature is the priority of judiciary, right? The interpretation of statutes is the primary function of the court. Court का primary function है. Legislature can pass an enactment, and its interpretation is entirely within the province of the judiciary. तो legislature का काम केवल legislation का है, और उस legislation के meaning को, intention को find out करना judiciary के province में आता है। In this respect, courts are to be guided by well-established canons of interpretation. और legislature के इस intention को derive करने के लिए courts different principles of interpretation को follow करते हैं। Judiciary gives effect to the intention of legislature. और interpretation के माध्यम से legislature के intention को effect देने का काम करती है judiciary। तो I hope कि आपने अब तक के डिस्कशन में आपको ऑब्जेक्ट, स्कोप, नीड एंड पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा। इतने डिटेल में इतने एफर्ट्स के साथ आपको कोई नहीं समझाएगा, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको दूसरों से अलग लगते हैं, तो प्लीज शो योर सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।